بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي मैं आप सबका आज के मजलिस के अंदर ख़ैर मक़दम करता हूँ असलम आलकम व आज की मजलिस का काववान है विरासत की तकसीम में गलतियाँ देखिए विरासत बहुत अहम मौजू है इस्लाम में लेकिन अक्सर लोग इस मसले के अंदर कोहताई बरतते हैं लोग इसके इसको बहुत हल्के में लेते हैं लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते ये कितना अहम मसला है कि अगर इस मसले के अंदर कोई शख्स कोहताई करता है इस मसले के अंदर अगर कोई शख्स किसी भी तरह की कोई कमी पेशी करता है तो उसका ठिकाना अल्लाह ताला ने बता दिया है उसका ठिकाना जहन्नम है अल्लाह ताला ने इस मसले के ताल्लुक से कि मीरास किसकी किस, किस तरह से तकसीम होगी पूरी तफसील हमको क़ुरान में बयान कर दी है और एक एक फ़र्द बता दिया है कि किस किस तरह से किस किस फ़र्द के पास जाना है ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत तफसील के साथ बताया है अब बाद में बताने के बाद अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बिल्कुल इसके अंदर कमी पेशी नहीं करना नसीबम मफरूबा ये तयशुदा हिस्सा है फरीद फरीदिन अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ हिस्सा है सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ताकीदी अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला ने कह दिया कि तिल का अल्लाह ताला की हदें हैं जो इससे तजावज़ करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है और जो इस पर चलेगा जो इसके हिसाब से अल्लाह ताला ने जो बताया है उसके हिसाब से इसकी तकसीम करेगा उसका ठिकाना जो तकसीम करेगा आखिरत में जन्नत उसका ठिकाना और आखिरत में जहन्नम जो नहीं करेगा और जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेगा खालिदन का लफ्ज इस्तेमाल करा जो अल्लाह ताला ने काफिर के लिए मुशरिक के लिए और कातिल के लिए इस्तेमाल किया है इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई कोताही और कोई कमी ना हो लेकिन देखने में ये आता है कि अक्सर लोग इस मसले को कुछ मसला ही नहीं समझते इस्लाम का रुकन ही नहीं समझते ये मतलब समझते ही नहीं है कि इस्लाम का इससे कोई वास्ता है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घरों के अंदर अच्छे अच्छे दीनदार घरों के अंदर मीराज की तकसीम में कोहताई होती है मीराज की तकसीम में गलतियाँ होती हैं जो लोग दीन दीनदार हैं नमाज़ पढ़ने वाले हैं जो लोग हज करने वाले हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले ही हैं और जन्नत जहन्नम उससे इसका तस्करा करने वाले हैं वो मीराज के मसले को इतना हल्का लेते हैं कि कोई बात ही नहीं है अल्लाह हमें ऐसी तफसील के साथ बयान किया है कि इसके अंदर किसी तरह की कमी कोहताही करना बहुत बुरा अंजाम है और तजुर्बे में देखने में ये आता है कि इस मसले के अंदर बेइंतहा गलतियाँ होती हैं बहुत कोहताइएँ है होती हैं और जिनमें से कुछ चीज़ें जो मसलों के तहत मेरे सामने आती हैं लोगों से लोग जो सवाल करते हैं लोग जो पूछते हैं उसके तहत जो गलतियाँ मेरे सामने आती हैं मैं उन तमाम गलतियों को आज सामने रखना चाहता हूँ आप लोगों के ताकि आगे इस मसले के अंदर कोई भी गलती ना करे इन गलतियों से महफूज रहे ताकि अल्लाह के तानून के मुताबिक आपकी मीरास की, की तकसीम हो इसीलिए मैं उन गलतियों को आज सामने रखना चाहता हूँ जो तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर जो लोगों से बात करने की बुनियाद के ऊपर लोगों के मसले पूछने की बुनियाद के ऊपर मेरे सामने आई मैं उन तमाम गलतियों को सामने रखना चाहता हूँ ताकि वो गलतियां किसी और की ज़िंदगी में ना हो अपने इंतज़ाम आदमी पहले से करे अपनी जन्नत तैयार करे जहन्नम के रास्ते से बचे सबसे बड़ी गलती जो मीरास में होती है वो होती है के माल मुत नहीं होता कोई भी माल मुत नहीं करता मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं दोनों कमाते हैं अब कभी कोई चीज की जरूरत पड़ी मियाँ ने खरीद ली कभी कोई चीज की जरूरत पड़ी बीवी ने खरीद ली अब ये मुतयन ही नहीं है घर खरीदना था घर खरीद लिया मियाँ के कुछ पैसे कम पड़े बीवी से ले लिए मिला के घर खरीद लिया बीवी के नाम से रजिस्ट्री करा दी अब माल किसका है माल किसका है कोई मरेगा तो मीराश किसी के पास जाएगी अल्लाह के कानून के मुताबिक लेकिन होता यह है कि माल का तयशुदा मुतन ना होना इस बात पे आमदा करता है कि अब मसला ये होगा कि जब तकसीम का मसला आएगा बीवी कहेगी कि ये तो हमारा था हमने भी पैसा मिलाया था इस घर के अंदर तो हमारे भी पैसे लगे थे या फिर अल्लाह बीवी का इंतकाल होता है तो फिर शोहर कहेगा कि भाई इसमें हमारे भी पैसा लगा है हम किस हिसाब से तकसीम करें हम किसे क्यों दें वाशा को सबसे बड़ी गलती जो होती है वो मीरास का माल मुतन नहीं होता कि ये माल है किसका तो सबसे पहले अगर घर के अंदर आदमी माल को मिक्स करके रखता है आदमी मिक्सअप करके रखता है किसी भी माल को जिसे औलादे हैं ओलादे भी आपस के अंदर एक बिजनेस चल रहा है घर का एक कारोबार है अब उस कारोबार के अंदर सब लोग एक ही उसमें से खा रहे हैं एक ही उसमें से मिस हो रहे हैं अब किसी का इंतकाल हो गया अब पता ही नहीं कि इसकी तकसीम किस हिसाब से होगी होगी भी कि नहीं होगी ये कारोबार है किसका अब्बा ने खड़ा किया था सारे भाई मिलके चला रहे हैं उस कारोबार को अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस भाई के मरने से किसको मीरास मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उनके भरोसा महरूम हो जाते हैं जो काबिज़ होता है वो उस पर कब्ज़ा कर लेता है जिसको ताकत होती है कु्वत होती है वो कब्ज़ा करके निकल लेता है माल पर माल का मुतयन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि घर के अंदर अगर जितनी भी चीजें आ रही हैं जितनी भी चीजें हो रही हैं क्योंकि आदमी ये ना कहे कि इस चीज की मीराज तकसीम नहीं होगी अल्लाह ताला ने कह दिया कि मिम्मा कल्ला मिनुआ कसुर माल छोटा कम हो या ज्यादा कुछ भी हो उसको उसी हिसाब से तकसीम करना है उसका हिस्सा जाएगा घर में सोफा खरीद लिया शोहर ने अब इंतकाल हो गया तो भाई वो शोहर का है सोफा यार वो सोफा शोहर का है या तो फिर वो बीवी को गिफ्ट कर दे कि तुम्हारा ही है और अल्लाह उसके बाद गिफ्ट करने के बाद अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो फिर वो शोहर ये नहीं कह सकता मेरे पैसों से आया था इन तमाम बातों का ध्यान रखना बे इंतहा जरूरी है यह सबसे बड़ी गलती है कि माल को मुतयन नहीं किया जाता मीराज की तकसीम में जिसकी वजह से अल्लाह का अहकाम नाफिज ही नहीं होता इसके बाद जो दूसरी गलती होती है वो होती है मीरास की तकसीम के अंदर ताखीर करना ये बहुत खतरनाक गलती है जिसके अंदर बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं बहुत मसाइल पैदा होते हैं मीराश मैय के इंतकाल हुआ अब बस मीरा को तकसीम करना है देख से तकसम करना क्या है करना क्या है तकसम हो चुकी बाप मरा खुद ब खुद तकसीम माँ मरी खुद ब खुद तकसीम अल्लाह की तरफ से अल्लाह के कानून के मुताबिक तकसीम हो गई अब हमें नाफिस करना है उस कानून को जैसा अल्लाह ने कहा है वैसा जैसा अल्लाह ने बोला है हमें वैसा बांटना है वैसे हिस्से बनाना है यह हमारी जिम्मेदारी है अब तो मीराज की तकसीम में तखीर इतनी होती है कि बाप का इंतकाल हुआ अब सारे भाई एक साथ रह रहे हैं मिलजुल के रह रहे हैं सारी चीजें कर रही हैं उस घर में सब मिले हुए हैं अब भा, भाई भी चले गए उसके बाद भाई के औलादों में झगड़े शुरू हो रहे हैं भाई के औलादे कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा अब फिर होता क्या है कि मसला बनाने की जब जरूरत पड़ती है तो फिर आदमी खुद बनाने वाला इतना परेशान हो जाता है क्योंकि फिर वो नस्ल नस्लें चलती हैं कि भाई मरा तो बाप था वो बाप के बुरा सा जो थे उन तक माल गया होगा उनमें से उसके बाद के बुरसा में आया और उसके बाद उसके बुरा में आया तो ये जो होता है ये मुतिन होना बहुत ज़रूरी है कि उसी वक्त फ़ौर तकसीम हो जाए बाद में फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं इसके बाद जो ग़लती होती है वो सबसे बड़ी गलती होती है कि ज़िंदगी के अंदर मीरास को तकसीम कर देना बेटे का मुतालबा करना ज़िंदगी में बहुत माशरे में ये चीज़ देखने में आती है कि बाप बे बेटा मुतालबा करने लगता है कि ये कारोबार है इसमें मुझे मेरा हिस्सा दो मुझे मेरा हिस्सा दो इस घर में मेरा हिस्सा दो बेटे को जिंदगी के अंदर मांगने का हक है ही नहीं बाप का माल बाप का है माँ का माल माँ का है बेटिया कौन होता है जिंदगी के अंदर हक़ मांगने वाला जिंदगी के अंदर हक मांगना ये जायज़ नहीं है हाँ अगर आप बेटा कह रहा है कि मुझे दे दो कुछ और बाप दे रहा है तो फिर बेटे को इंसाफ के साथ देना है यानी वही बाप को इंसाफ के साथ देना है बेटे के दरमियान इंसाफ अगर उसकी तीन चार औलादें हैं तो उसको अपनी तीन चार औलादों में इंसाफ़ के साथ देना है बराबरी के साथ देना है वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक बेटे को दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया कि साहब इसने हक़ मांगा इसलिए इसको दे दूँ मैं ऐसा नहीं होता क्योंकि तो होता यह है कि किसी के मरने से किसी को मीरास मिलती है अब अगर बाप ने ज़िंदगी में ही मीराश तकसीम कर दी तो मीरास तो तकसीम मरने के बाद होती है लेकिन फिर भी अगर वो ज़िंदगी में चाहता है कि औलादों के दरमियान हदिया दे दे औलादों के दरमियान बांट दे तो उसको इंसाफ के साथ बांटना चाहिए तमाम औलादों के अंदर इंसाफ़ करना है और ज़िंदगी में बच्चे का मुतालबा करना ये तो कोई हैसियत ही नहीं रखा था बाप की जिंदगी में बेटे का कोई हिस्सा नहीं है हिस्सा होगा बाप के मरने के बाद अच्छा इसके बाद जो चीज़ गलती हमें समझ में आती है जो नज़र आती है वो है कि विरासत की तकसीम के अंदर मराहिल का ख्याल नहीं रखा जाता ये मराहल क्या होते हैं बर यानी विरासत की तकसीम करने का सबसे पहला मरहला जो है वो क्या है वो है कि जब आदमी को मौत आए तो उसके कफन का उसकी तजहज़ का तकसीम का इसका इंतज़ाम इसका ख़र्चा उसके माल में से लिया जाए जो उसका माल है उसी माल से उसका कफ, कफन लिया कफन लिया जाए उसी माल से उसके जो कबर का खर्च है जो कफ़न का खर्च है ये तमाम ख़र्चे जो होते हैं वो मैयत के माल में से ही लेना चाहिए हमें लेकिन देखने में ये आता है कि आदमी की मौत हो गई और कोई उसे कफन ला के दे देता है अरे भाई सारी ज़िंदगी उस आदमी ने खैरात खैरात नहीं ली किसी की ज़िंदगी के अंदर आदमी बचता है ना कि मैं किसी से खैरात ना लूँ अब मरने के बाद तो खैरात से रुक नहीं सकता लेकिन होता क्या है ये कोई भी उठ के आया गया और उसको कफन ला के दे दिया किसी ने कबर के पैसे दे दिए कफन तो हर कोई ला के दे, दे देता है सब कफन हमारी तरफ से आपको खैरात देने की ज़रूरत ही नहीं है वो मालदार है अगर वो अगर मालदार है तो वो उसके पैसों से कफन आ जाएगा और अगर बाई चांस वो गरीब है तो गरीब के लिए लाजिम तो नहीं है कि उसको कोई कफन चंदा करके दे हमें मिसाल मिलती है एक गैरतमंद आदमी को जो सारी जिंदगी अगर अपने आप को किसी से बचाता है उसका कफन को आप चंदे में लोगों से लेके दे रहे हो खैरात कर रहे हो उसको तो ये मुनासिब नहीं है उसके लिए कि उसके लिए कफ़न मांगा जाए हमें मुस्बिन उमेर रदी अल्ला वाक़ मिलता है कि जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके पास पता चलता है कि कफन नहीं था पहनने के लिए उनके पास कफन नहीं था सर को ढांका जाता था तो पेड़ खुल जाते थे और पेड़ को ढांका जाता था तो सर खुल जाते थे तो उस वक्त के ऊपर कितने सारे सहाबा मौजूद थे लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने नहीं दिया किसी ने हमसे नहीं कहा हजरत उस्मान गनी रजी मौजूद थे हज़रत अबू बकर मौजूद थे हज़रत अब्दरमान बिन औफ रजिय मौजूद थे जो कितने मालदार थे उन्होंने तो चंदा नहीं दिया उनको उन्होंने तो नहीं कहा कि साहब ये ले लीजिए आप खैरत ये हमारी तरफ से कफ़न क्या नहीं दे सकते थे कफन कोई उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ थी लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ढाँक कर उनके पेड़ पर घास डाल दी तो उस सहाबा मौजूद थे लेकिन किसी ने नहीं, नहीं दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया तो इसकी इसका उसके मराहल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और रखना चाहिए पहली चीज़ कि उसके कफन और उसका ख़र्चा उसके बाद कफन के खर्चे के और दफ़न के खर्चे के बाद कर्ज़ कर्ज़ दिया जाए कर्ज़ लौटाया जाए लेकिन देखने में क्या आता है कर्ज के ताल्लुक से अरे साहब बाप ने दिया था औलाद के लिए बाप ने लिया था बाप से लीजिए हमें नहीं पता ये क्या बात होती है अगर दलील मिल जाती है अगर प्रूफ मिल जाता है इस बात का कि बाप ने कर्जा लिया है तो बाप के माल में से पैसा देना जिम्मेदारी बनती है ये कहना बिल्कुल सही नहीं है बाप ने लिया था बाप जाने हमें थोड़ी पता हमने थोड़ी लिया बाप की मीराश में से हिस्सा तो ले लोगे बाप के कर्जे अदा नहीं करोगे और पहले कर्जे अदा होंगे फिर मामला होगा अगर इस बात का शवाहद मिल जाते हैं हमें हर इस बात का दलीलें मिल जाती हैं हमें कि कर्ज़ा लिया है तो उसका कर्जा देना बहुत ज़रूरी है शहीद का हर गुना माफ़ हो जाता है हदीस में आता है सिवाय उसके कर्ज के तो कर्ज़ का गुना माफ़ नहीं होता सबसे पहली चीज़ आदमी को अपना कर्ज भी बता के रखना चाहिए लोगों को लोगों से कहना चाहिए अपने घर वालों को या किसी ख़ास आदमी को या किसी डायरी के अंदर लिखना चाहिए कि मेरा मुझे इसका कर्ज़ देना है कभी कभी पता भी नहीं होता लेकिन आदमी कारोबार करता है चीज़ें होती रहती हैं तो लेकिन लिखना चाहिए उसे फ़ौर कि इसका कर्जा है इसका कर्जा है इसका देना है मौत का कोई भरोसा थोड़ी है कि कब मौत आ जाए मौत आएगी घर वालों के पास मुतालबा अगर किया जाए कर्ज़ का तो फौरन कर्ज़ अदा किया जाएगा ये दूसरा मरला है उस, उसके बाद मीराज तकसीम की जाएगी औलाद को यह कहने का हक नहीं है अब्बा ने लिया था अब्बा जाने कर्ज देने के बाद अगर कोई वसीयत करी है अगर कोई वसीयत करी है मैयत ने तो उस वसीयत को पूरा किया जाएगा और वसीयत भी वरासा के हक में नहीं होना चाहिए वरासा के अलावा अगर किसी गैर वरसा के हक में वसीयत करता है आदमी तो उस वसीयत को नाफि किया जाएगा और उसके बाद मीरास की तकसीम की जाएगी ये हैं मरहले मीरास को तकसीम करने के ये हैं मरा इन मरा के साथ हमें तकसीम करना चाहिए और ये गलती इसके बाद जो गलती है वो तो बहुत आम है उसके मतलब तफसीली दर्ज हो चुका है और वो है बेटी को उसका हक नहीं दिया जाता बेटी के साथ तो बेानतहादती होती है बेटी के साथ तो बेइंतहा हक़ तलफी की जाती है उसकी शादी कर दी बस किस्सा ख़त्म तुम्हारा शोहर तो अच्छे हालात में है ख़त्म बात उसको बिल्कुल मान नहीं दिया जाता ये बहुत सारी चीज़ें देखने में आई कि बेटी के साथ हक तलफी होती है और ये बहुत तफसीली मौजू था और इस पर तफसीली दर्ज हो चुका है इसके बाद जो गलती है वह है कभी कभी भाई को उनका हक़ नहीं दिया जाता अच्छा ये भी सिर्फ भाई बहन जो है उनको भी उनका हक नहीं दिया जाता भाई बहन को उनका हक कैसे नहीं दिया जाता यह कंडीशन कब आती है कंडीशन जब जब आती है जब किसी आदमी की किसी मैयत की सिर्फ लड़कियां लड़कियां मौजूद हों सिर्फ भाई कोई नरीना औलाद मौजूद नहीं है कोई लड़का मौजूद नहीं है जब लड़का मौजूद नहीं होगा किसी वारिस का कोई किसी मैयत का लड़का मौजूद नहीं होगा बारिश में से कोई लड़का नहीं होगा सिर्फ लड़कियां लड़कियां होंगी अगर एक लड़की है तो उसको आधा माल मिल जाएगा लेकिन अगर एक से ज्यादा लड़की है तो उनको सोलोसान मिल जाएगा टू थर्ड मिल जाएगा इसके बाद का जो माल है वो माल किसके पास जाएगा वो माल भाई बहन के पास जाएगा लेकिन होता यह है देखने में यह आया कि वो जो लड़कियां होती हैं वो पूरी जायदाद के ऊपर कब्जा करके बैठ जाती वो अपने चचा को हक़ नहीं देती अपनी भूपी को हक़ नहीं देती चचा और भूपी का हक़ खा जाती हैं लड़कियां भी ये करती हैं अच्छा लड़कियों के लेने की जब बात आती है जब भाई भाई काबिज़ होता है जायदाद के ऊपर तो भाई बहनों को अलग कर देता है फ़ौर वो कह देता है बहन ने तो माफ़ कर दिया उन्हें ज़रूरत नहीं है और जहाँ पर बहन काबिज़ हुई माल की जहां पर बहन काबिज़ होती है माल की तो वो पूरा माल चचा चचा और फूफी का भी खा जाती है और माशरे में मशहूर ये है कि आपा ने एक माल माफ़ कर दिया आपा ने आपा ने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया आपा इतनी ख़तरनाक है वो दूसरों का हक़ खा रहेंगे आपा इतनी ख़तरनाक है वो दूसरों का हक हाँ भी हड़प रहेंगे वो चचा और फूफी का हक हाँ भी खा जाती हैं ऐसी आपाएं आज के दौर की आपाएं अपना हक़ माफ़ कर रहीं भाई के तय भाई इस तरह से हिस्से खा जाते हैं तो बेटी अगर अकेली होती है तो वो फूफी और चचा का हक हाँ भी ले लेती है ये गलती माशरे में बहुत मशहूर है बहुत ज़्यादा जिस आदमी की भी सिर्फ लड़कियां हैं ना तो वो करता ही ये कि यार और लड़कियों का लड़... भाई बहनों के पास जाएगा तो वो लड़कियां जो होती हैं वो पूरा माल को अपना ही समझती हैं कि भाई एक ही दो बेटियाँ हैं दोनों के हिस्से में ही आना है बस या एक बेटी है वो पूरा माल ले लेती है वो किसी को नहीं देखती आसपास मां को हिस्सा नहीं दिया जाता मां को मां को मतलब जब भी आदमी मरेगा जब भी कोई शख्स मरेगा उसकी मां अगर जिंदा है मरने वाले की मां अगर जिंदा है तो मां को हिस्सा पहुंचेगा मां का छठा हिस्सा है वो मां को हर हाल में पहुंचना है मेरा इंतकाल होता है और यहाँ मैं अगर अपनी फैमिली के साथ अलग रह रहा हूँ कहीं दू, दूसरे मुल्क में हूँ और अलग रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और मेरी माँ दूसरे मुल्क में है तो भी अगर मेरा इंतकाल होता है तो मेरे माल में माँ को हिस्सा पहुँचना लाज़िमी माँ को माँ का हिस्सा और बाप का हिस्सा दोनों का हिस्सा है दोनों का हिस्सा फ़र्ज है दोनों जबील फ्रूज में से हैं तो होता ये है ऐसा अगर ऐसे माशरे में ये होता है कि अगर माँ है तो माँ को नहीं देता बीवी और बेटे और सब पूरा माल ले लेते हैं कहते हमारे दादी को हिस्सा क्यों दें हम ख़त्म बात दादी को कोई हिस्सा नहीं पहुँचता नानी दादी अपना हिस्सा मांगती हैं हज़रत अबू बकर रजी अल्लासे हज़रत उमर रजील्ला से उस वक्त की ओरते तो यानी नानी दादी का भी एक हिस्सा है नानी दादी तो बहुत बात की है मैं तो कह रहा हूँ कि मरने वाले की मरने वाले से नस्बत जुड़ती है मैयत की तो वो तो उसकी माँ है माँ का हिस्सा तो क़ुरान में बदरजा अला है मौजूद लेकिन माँ को हिस्सा नहीं दिया जाता माँ तक विरासत नहीं पहुँचती बाप तक विरासत नहीं पहुँचती ओलादे लड़के भी हैं तब भी लड़के मौजूद हैं ना अगर किसी मैत के लड़के मौजूद हैं उसके बावजूद भी माँ बाप को हिस्सा जाएगा लेकिन ये देखने में आया कि माँ बाप को लोग काउंट ही नहीं करते मसला बनवाने आते हैं अगर विरासत का तकसीम का तो माँ बाप को आउट ही कर देते हैं उनसे पूछना पड़ता है भाई वो जिंदा है अरे वो तो बूढ़ी हो गई उन्हीं क्या ज़रूरत जायदाद तो हमारे बाप की हम लोगों में बताइए औलादें तो इतनी हैं ज़रूरी नहीं है औलादों में हिस्सा जाए अरे दूसरे बुरासा हैं उनमें हिस्सा जाएगा तो उनको नहीं मिलता कभी कभी बीवी को भी हिस्सा नहीं मिलता ऐसे ऐसे चीज़ें भी देखने में आती हैं कि बीवी को भी हिस्सा नहीं दिया जाता यह होता जब है जब औलादें बिल्कुल जवान हो चुकी होती हैं औलादें पूरी जवान हो जाती हैं और जवान होने के बाद पूरा इख्तियारत बाप के माल के ऊपर उनके ऊपर होता है और वो अपनी माँ को कुछ नहीं देते वह वो कहते हैं माँ हमारे साथी तो रह रही, 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 रही हैं इन्हें क्या ज़रूरत हिस्से की माँ हमारे साथी तो हैं इसलिए इन्हें हिस्सा नहीं देना ज़रूरत नहीं है इन्हें हिस्से की अच्छा इसके बाद जो गलती देखने में आती है वो है जिसका हिस्सा नहीं बनता उसको भी हिस्सा दिया जाता है जिसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है उसको भी हिस्सा मिल जाता है उसको भी हिस्सा दे देते हैं लोग वो कब होता है भाई एक आदमी ने शादी करी शादी करने के बाद उसने ऐसी औरत से शादी करी जिसकी पहले से एक औलाद थी वो घर पे ले आया उस ओलाद को साथ में रह रहे हैं ज़िंदगी गुजर रही है लेकिन वो उसका बाप नहीं है बस वो उसके साथ रहता है वो उसे पालता है उस बच्चे को तो होता ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाता है बाप का तो उसमें से वो सारे दूसरे जो औलादे हैं उसमें अगर हिस्सा बैठ रहा है उसकी खुद की जो खुद की हुई औलादे हैं उसमें अगर तकसीम हो रही है तो वो उसके साथ उस, उसको भी मिल जाता है हिस्सा जबकि उसका विरासत में कोई हिस्सा ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उसको हिस्सा दिया जाता है यह भी बहुत बड़ी गलती है अच्छा कभी कभी यह भी होता है कि एक आदमी ने एक औरत से शादी करी उसका बेटा आ गया साथ में अब उससे कोई औलाद नहीं हुई कोई औलाद नहीं हुई बस वो बेटा साथ में रह रहा है तो वो पूरा माल हड़प गया जबकि उसके भाई बहन के पास उसके दूसरे वरासा के पास माल को जाना चाहिए लेकिन इसके अंदर भी कोताही बरती जाती है और वो पूरा माल वही जो उसकी औलाद नहीं है उसकी बीवी का बेटा है वो वो उसका खुद का खून नहीं है कि उस पर मिरास जाए उसको मीरास तकसीम नहीं की जाएगी लेकिन हर कभी दे दी जाती है मुंह बोले बेटे को भी मीराज दे दी जाती है ज़रा में मुंह बोले बेटा को ले आए आप मुंह बोला बेटा रख लिया आपने कोई किसी चीज किसी को गोद ले लिया शराइ की पाबंदी के साथ अब आप उसे रख रहे हो पाल रहे हो आपने जो पर्दे के अहकाम हैं वो सब पाबंद बन गए उसके आप या आपने बच्चा छोटा था तो उसको दूध पिलवा दिया ताकि वो मेहरम बन जाए मेहरम भी बन गया वो तो सब कुछ होने के बावजूद भी उसको मीराश में से कुछ भी नहीं जाएगा हाँ आप वसीयत कर सकते हैं उसके हक में सिर्फ वन थर्ड की वसीयत भी वन थर्ड की वसीयत उसमें की जा सकती है उसके हक में क्यों की जा सकती है क्योंकि वसीयत का हक है आपको वन थर्ड की वसीयत क्योंकि वो वारिस नहीं है वारिस के हक में वसीयत नहीं होती अच्छा ये भी एक गलती है कि वारिस के हक में वसीयत कर देते हैं यानी एक बाप के पांच बेटे हैं उसे एक बेटे से बहुत मोहब्बत है तो वो क्या करता है उस बेटे के लिए एक मकान लिख देता है ये मकान इस बेटे का मेरे मरने के बाद इस बेटे को मेरी जायदाद में इतना हिस्सा मिलेगा अलग से यह बातिल है वसीयत इस वसीयत की कोई कीमत नहीं है इस वसीयत की कोई कीमत नहीं है तो क्योंकि वारिस के हक हाँ में वसीयत की जा रही है वसीयत सिर्फ उसी के हक हाँ में की जा सकती है जो वारिस नहीं है अच्छा इसके बाद एक चीज़ माशरे में सब जगह मशहूर है और वो है कि अपनी जायदाद से आग करना जायदाद से बेदखल करना औलाद को आग कर दिया हमने ये भी बहुत हो रहा है कि हमने तो आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है बेटे ने दूसरी शा, दूसरी जगह शादी कर ली बग़ैर बाप की इजाज़त से जाओ निकल जाओ मेरे घर से बाप कहता है निकल जाओ मेरे घर से आज के बाद मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से आग करा ये क्या बात हुई जायदाद से आख कर दी आख कहने से कोई आख नहीं होता अच्छा होता ये है कि बच्चा निकल भी जाता है वो कहता है नहीं चाहिए हमें जायदाद छोड़ो खल्ली वल्ली नहीं चाहिए जायदाद ख़त्म कर देता है वो जायदाद को लेकिन जैसे ही बाप मरता है वो अपना फौरन मुतालबा करने आ जाता है कि मेरा भी तो हिस्सा था मुझे भी तो हिस्सा चाहिए बाप ने आख कर दिया वो उनके भाई कहते हैं कि साहब हम तो नहीं देंगे हिस्सा क्योंकि हमारे बाप इनको आख कर चुके हम नहीं देंगे इन्होंने अपनी मर्दी से शादी कर ली अरे कुछ भी कर ली भाई वो उनका उनका माल ही नहीं है मरने के बाद वो माल बुरा का होता है तो ये आख करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग आग कर देते हैं और आग करने के बाद बाद में मुतालबात होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं पैदा तो ये इसकी कोई हैसियत नहीं है कोई बाप अगर अपने बेटे को आक कर दे जायदाद से बेदखल कर दे इसकी कोई हैसियत नहीं है बेटे ने कितनी नाफरमानी करी हो एक बेटे ने कितनी खिदमत करी हो माल दोनों में बराबर तकसीम किया जाएगा माल की तकसीम अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही की जाएगी अच्छा बाज दफ़ा क्या होता है कि पो पोते को भी विरासत दे दी जाती है भाई बाप का इंतकाल हुआ एक दादा का इंतकाल हुआ पोता मौजूद है और उसके दूसरे बेटे भी मौजूद हैं मरने वाले के और जो पोता है उसके बाप का इंतकाल हो चुका तो होता ये है कि उसको भी, भी मीरास दे दी जाती है उसके उसको भी मीराश में से हिस्सा दे दिया जाता है उसमें उसको मीरास में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा क्यों क्योंकि मैत के नरीना ओलाद मैयत के लड़के मौजूद हैं हयात हैं उस हालत के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मैयत के नरीना ओलाद मौजूद नहीं हैं तो फिर उसको दे दिया जाएगा उसके पास हिस्सा पहुंचेगा पोते के पास लेकिन मैयत की नरीना ओलाद की मौजूदगी में पोते का कोई हक नहीं है पोते के लिए अगर कोई दादा चाहता है कि वसीयत कर दे वन थर्ड की वो कर सकता है क्यों कर सकता है क्योंकि वो वारिस नहीं है पोता वारिस नहीं होता अगर पोता इस पोजीशन के ऊपर खड़ा है कि उसके पास कोई जायदाद नहीं जा रही यानी पोता इस पोजीशन पे खड़ा है कि वो जवील फरूज में से नहीं हो आ रहा वो उसमें से नहीं आ रहा कि उसके मीरास में से हिस्सा मिल रहा हो वो उस पोजीशन पे है अगर उसके लिए वसीयत की जा सकती है दादा वसीयत कर सकता है अपने पोते के लिए इसके बाद जो ग़लती है जो मुतैन हिस्सा होता है मरासत विरासत में मीरास में वो नहीं दिया जाता देखने में अक्सर यही आया कि एक लमसम अमाउंट ऐसी बस बना बनू के अपनी मर्ज़ी से देकर किस्सा ख़त्म कर, कर दिया जाता है कि बस मामला रफा दफ़ा हो अब बहन है मीरास में हिस्सा देना है मौलवी साहब की बातें सुन ली मुफ्ती साहब के मसले सुन लिए कि देना तो पड़ेगा करें क्या देना तो पड़ेगा भाई क्या करें कुछ नहीं करें एक घर है अरे बहन एक काम करो ये दस लाख रुपए ले लो पाँच लाख रुपए ख़त्म करो हिस्सा तुम्हारा हो गया हिस्सा इसमें ठीक है ना हाँ बहन भी कह देती है ठीक है भाई अब हम क्या कहें क्यों बहस करें बस ऐसे ही अपनी मर्जी से अपने अंदाजे से अपना अंदाज़ा लगा लोगों के और बस बस ऐसे ही नॉर्मल दे दिया जाता है काम चलाने को अल्लाह ताला कह रहे है कि नसीबम मफरूज़ा या अल्लाह ताला तय किया हुआ हिस्सा है ऐसा नहीं चलेगा कि अपने अंदाजों से निपटा दिया जाए मामला इतना आसान नहीं है अच्छा इसके बाद जो चीज़ है वो है वसीयत में इजरार ये भी बहुत देखने में आता है कि किसी की कोई औलाद नहीं है अगर किसी शख्स की कोई औलाद नहीं है और उसको ये बात पता है कि मेरे मरने के बाद मेरा हिस्सा भाई बहन खा जाएंगे भाई बहन के पास जाएगा खा क्या जाएंगे बल्कि वो समझता है कि खा जाएंगे बल्कि अल्लाह ताला ने मुक्र करा है भाई बहनों का हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ़ से दिया हुआ माल है वो भाई बहनों को अगर किसी शख़्स की कोई औलाद नहीं है तो वो माल उसके भाई बहनों में जाएगा और उसे ये इल्म हो चुका कि अरे मेरे मरने के बाद तो ये माल मेरे भाई बहन खा जाएंगे उनसे तो बनती नहीं है मेरी तो वो करता क्या है पूरा के पूरा माल छत में दे देता है अब नियत अल्लाह जाने के क्या नियत है उनकी वो लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचाना भाई बहनों को महरूम कर देना तो ये, ये भी देखने में आता है कि कभी कभी भाई बहनों को महरूम करने के लिए आदमी ऐसी ऐसी टर्म्स कंडीशन निकालता है कि बस इन लोगों को ना मिल जाए मेरे वरासा में ये आएंगे अरे मेरा माल इनको चला जाएगा अब मैं ऐसी कौन सी तिगड़म बिठाऊँ मैं ऐसा कौन सी चालें चलूं जिससे इनके पास माल ना पहुंच जाए ऐसे कौन सी चीज करूं तो ये भी बहुत देखने में आती है चीजें अच्छा इसके बाद जो चीज है ये गलती बहुत ज्यादा देखने में आती है कि बहुत ज्यादा ये तो अक्सर घरानों में ये गलती है और इसको आदमी असल में समझता नहीं है कुछ भी बैय का इंतकाल हुआ अब इंतकाल के बाद उसके कपड़े उसके जूते उसकी घड़ी उसका मोबाइल उसका चश्मा उसका लैपटॉप उसकी चप्पल उसका कलम उसके इस्तेमाल की एक एक चीज वो तरका है वो रसा का उसकी एक एक शर्ट उसकी एक एक कमीज तमाम चीजें उसके पूरे कपड़े हर हर चीज क्या है वो है तरका उसका छोड़ा हुआ माल और वो वुरसा का है उस पर वरासा का हक है और होता यह है कि एक आदमी जो घर में रह रहा होता है वो क्या करता है वो सदका कर देता है अपनी मर्जी से उठाया और लिया सदका कर दिया कि साहब वो अब्बा के कपड़े थे मैंने एक मौलवी साहब को वो दे दिया मैंने एक गरीब थे वो मास पढ़ने वाला आदमी है अब्बा को सवाब मिलेगा मैंने दे दिया अरे भाई अल्लाह की नफरमानी तो तुमने कर ली तुम तो अजाब में आ गए अल्लाह की नाफरमानी तो तुमने कर ली सदका करके वो माल है ही नहीं तुम्हारा तुम सदका करके से सकते हो हक हासिल ही नहीं है कि एक कलम भी तुम सदका कर सको जब तक बुरस अगर आप वारिस हो हाँ, अगर आप अकेले तनहा लड़के हो और दूसरे कोई आस पास वारिस नहीं है हाँ तो उस हालत के अंदर आप सदका कर सकते हो आपको अख्तियार है क्योंकि वो माल आपका है लेकिन अगर दूसरे भाई बहन अब्बा अम्मा दूसरे बुरा मौजूद हैं अगर तो उस हालत के अंदर इसके अंदर किसी भी तरह की तब्दीली करना यह अमल हराम जायज ही नहीं है अपनी मर्जी से सदका कर दिया या फिर सदक़े का प्रेशर डाल दिया जबरन अरे साहब वो अब्बा की टी शर्ट रखी हुई है बहुत प्यारी मैं सोच रहा हूं इसे सदका कर दूं वो अब्बा का कुर्ता पजामा रखा है वो मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं है, उन्हें दे दूं सदका कर दू अरे भाई क्या करना है आपका तर्का है वो तो आप सामने रख दीजिए तमाम औलादों के उन्हें चाहिए तो ठीक है नहीं चाहिए तो वो खुद कह देंगे सदका कर दो सदके का प्रेशर बना लिया अरे काय को सदका कर दो भाई जब करना होगा कर देंगे अपने हिसाब से हम हमारा माल है अल्लाह ने दिया है जबरन हमें क्यों प्रेशर में डाल रहा हो कि हम भी सदका करें हमें करना होगा तो हम खुद कर देंगे लेकिन अब अप... बिना मर्जी के कर देते हैं या फिर पूछते भी हैं तो ऐसे प्रेशर डाल के पूछते हैं कि सामने वाला खुद ही कह देगा हाँ साहब अगर अच्छा अगर वो मुतालबा कर ले तो होता ये है मुतालबा करने के बाद कि वो बुरा हो जाता है उसे समझने लगते हैं इन्हें अब्बा की फिक्र ही नहीं थी ये तो बहुत नाफरमान औलादे फर्मा बर्दारी और नाफरमानी ये क्या बात हुई उसका माले उसे मिल गया उस तक पहुंचा दो तो उसे दे दो अब वो जो चाहे वो करे वो अपनी औलादों को दे दे अपनी मर्जी से जिसे देना है दे दे वो जो चाहे वो कर दे तो ये चीज बहुत देखने में आती है कि चप्पलें भी तरक हैं बिना वसा की इजाजत के उन्हें भी सदका नहीं किया जा सकता एक कलम भी सदका नहीं किया जा सकता बिना वरासा की इजाजत के वरासा की इजाजत क्या है उसे पहुंचाओ वो तक यार वो तक भेजो उसे तकसीम करो उसकी उसके बाद फिर फैसला करो क्या करना है माल को हैंड ओवर करो लोगों के ये कहाँ होता है कोई नहीं करता ये तो अच्छा ये बहुत ज़्यादा होता है कि विरासत को माफ़ करवाना ये ख़ास तौर पर यह प्रेशर औरतों पर डाला जाता है ये ग़लती भी बहुत देखने में आई औरत का शोहर अच्छे हालात में है तो फ़ौर औरत को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम अपना हिस्सा माफ़ कर दो मत लेना तुम इस मीरास में से कोई हिस्सा ये हिस्सा हम अपने बेटे को दे देंगे ये हिस्सा हमारे बेटे के पास चला जाएगा बेटा कुछ करता नहीं है तुम्हारा शोहर तो अच्छा काम करता है अब बेटे को इमोशनली बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारा शोहर तो अच्छा करता है इसके पास कुछ नहीं है उसे माफ करो तुम मत मांगना कोई भी हिस्सा पहले ही तय करवा लेती है माँ माँ ये करते हुए देखा है लोगों को कि ऐसा करती है माए बेटी को फौरन माफ करवा दिया कि माफ कर दो बेटे को दे दो सब कुछ अपना हिस्सा तुम्हें क्या जरूरत अरे भाई ऐसा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है ये माफ़ करवाना आया कहाँ से कि हमने माफ कर दिया आप दीजिए पहले उसके बाद वो जो दिल चाहे वो करे भाई उसका मामला है अच्छा सारी चीज़ें तकसीम नहीं की जाती सारी चीज़ों की तकसीम जरूरी होती है ये पहले भी बताया कि एक कलम भी तकसीम होगा आदमी जिस घर में रह रहा होता है आदमी समझता है कि इस घर की तकसीम नहीं होगी बाकी सारी जायदाद की तकसीम होगी ऐसा नहीं है एक कलम भी तकसीम किया जाएगा एक मोबाइल भी तकसीम किया जाएगा हर चीज़ तकसीम की जाएगी जिस घर में रहते हो वो घर भी तकसीम किया जाएगा नहीं तो भाई कहते हैं अरे साहब हम तो इस घर में रहते ही बाकी ज़मीनों में से हमने बहुत अच्छे से तकसीम कर दी पूरी की पूरी अब ये तो रहना रिहायशी घर है इसकी काय की तकसीम हम अगर ये तकसीम कर देंगे तो कहाँ जाएंगे अरे भाई फुटपाथ पे रहो कहीं भी चले जाओ कहीं भी रहो तुम ये कोई दलील नहीं होती कि हम कहाँ जाएंगे अरे किराए के मकान में रहो जो करना है करो अल्लाह तकसीम तो अल्लाह के कानून के मुताबिक करो ये क्या बात हुई इसकी तकसीम नहीं होगी ये शुभ लोगों के दिमाग में आ चुका है कि इस माल की तकसीम नहीं की जाएगी अच्छा इसके बाद जो गलती वो कि तकसीम से पहले जो मुनाफे आते हैं जो फायदे होते हैं उसको भी तकसीम करना जरूरी है यानी एक जायदाद है बाप की उसका किराया आता था उसका किराया आ रहा है अब वो बिकेगी सब वसा बैठेंगे आपस में सबने तय करा कि इसका क्या करना है अब हमें सबने कहा कि इसको बेचना है रातों रात तो बिल्डिंग नहीं बिक जाती कोई भी बड़ी बिल्डिंग है कोई भी बड़ी जगह है वो किराए पे गई हुई है अब उसको सेल आउट करना है आपको तो सबने ने वसा तय करा कि इसको बेचेंगे तो अब बेचने में छह महीने आठ साल दस साल जितने महीने छे महीने एक साल दो साल जितने दिन भी गुजरते हैं तो उसका जो किराया जो चल रहा है ना वो किराए में से भी तकसीम की जाएगी इतना हलवा नहीं है मीरास क्या आदमी बस कहे कि हां साहब जब बिकेगी तो जब दे, दे देंगे अरे नहीं भाई जो किराया आ रहा है इतने सालों से किराया लिया उसकी भी तकसीम करो अच्छा ये भी देखने में आया कि माँ ने पहले तो जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया रख लिया बाप शोहर का इंतकाल हो गया था वो एक काबिज थी उसने पूरे माल रखा अपने पास औलादें थी छोटी 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 औलादें थी उसका किराया आता रहा मुस्तकिल सारी जिंदगी किराए पर चलता रहा मामला बाद में बाद में कहती है क्या हम हमारा हिस्सा है हम अपना हिस्सा किसी एक बेटे को देंगे हम अपना हिस्सा यहाँ खर्च करेंगे तो भाई अगर ऐसा करना भी है आपको तो पहली चीज़ तो ये कि जो इतने सालों से किराया आपके पास आया उसकी भी तो तकसीम करो आप पहले तो या किसी की ज़मीन थी ज़मीन के ऊपर फसल लगी हुई है अब जमीन की फसल कटेगी उसके बाद ज़मीन बिकेगी तो ऐसा नहीं है कि आदमी ज़मीन के फसल जो है उस फसल के पैसे को खुद रखे और बाद में ज़मीन बेच के हिस्से बांटा कर दे नहीं फस फसल जो है ज़मीन के ऊपर जो खेती है उस खेती को बिक कर जो जो पैसे आएंगे वो सब में तकसीम किए जाएंगे मुनाफे भी तकसीम होना है अच्छा ये एक चीज और देखने में आई वो है बैंक के अंदर नॉमिनी ये गलती भी बहुत होती है कि भाई बैंक के अंदर आदमी अपनी बीबी को नॉमिनी बना देता है अपने एक बेटे को नॉमिनी बना देता है तो नॉमिनी बनाने का मतलब ये तो हरगिज नहीं होता कि अगर बेटे ने बेटे को नॉमिनी बना दिया तो वो माल उसका हो गया वो तो उसका नॉमिनी तो वो है बाकी दूसरी जायदाद अलग से बीवी को नॉमिनी बना दिया तो बीवी का हिस्सा होता है या तो वन फोर्थ या फिर वन एट इससे ज़्यादा तो बीवी को नहीं मिलता लेकिन बीवी वो नॉमिनी वाला वहाँ जिस बैंक के अकाउंट की वो नॉमिनी होती है ना वो वहां का पैसा तो पहले ही ले लेती है उसके अंदर से कोई तकसीम नहीं होगी तो यह जायज नहीं है इस तरह से नॉमिनी बनाना नॉमिनी तो बनाना है वो तो गवर्नमेंट का कानून है ठीक है बना दिया आपने नॉमिनी लेकिन उसको भी वो भी तरका है वो भी तरके में तकसीम किया जाएगा उसको भी तकसीम करना है अच्छा बहुत सारे घरों में यह भी देखने में आता है कि जो जेवर है जेवर वो बेटियां खुद ही रख लेती हैं उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता माँ का जेवर था वो पूरा के पूरा बेटी ने रख लिया बेटी में क्या भैया भैया हमारा ये हमारा बेटी ने अगर एक बेटी है तो उसने माँ का जेवर पूरा के पूरा रख लिया कि जेवर तो हमारा है तो उस जेवर की भी तकसीम होना है वो जेवर भी बेटी नहीं रख सकती सिवाय इसके कि जो उसका हक बन रहा है उतना ही वो रख सकती है या उतना ही हिसाब कर सकती है दूसरे वो रसा में देने के बाद इसके अलावा वो जेवर खुद ब खुद बचा लेते हैं और उसका कोई हिसाब ही नहीं करते ये भी एक गलती है बास घरों के अंदर बीवियां होती हैं वो पूरा माल रख लेती हैं बीवी पूरा माल कैसे रखती हैं कि शोहर का इंतकाल हुआ कोई औलाद नहीं थी कोई औलाद नहीं थी शोहर का इंतकाल हुआ मियाँ बीवी साथ रह रहे थे अब शोहर के इंतकाल के बाद उसकी जायदाद उसूलन दूसरे भरोसा में जाना है शोहर के भाई बहनों में जाना है शोहर के अब्बा अम्मा के पास जाना है या आगे जो दूसरे भरोसा हैं उनके पास जाना है बीवी तो किसी हालत के अंदर किसी हालत के अंदर वन फोर से ज़्यादा रख ही नहीं सकती उसको इख्तियार ही नहीं है भले ही वो माल पूरा के पूरा बैतुलमाल में जमा हो जाएगा बीवी रख ही नहीं सकती लेकिन होता यह है कि मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं शोहर का इंतकाल हुआ कोई औलाद नहीं थी बस मियाँ के बाद बीवी का हो गया पूरा माल दे खत्म पूरा माल खा गई अगर कोई भरोसा ना भी मौजूद होना तो बेतुल माल में चला जाएगा ये वो तो ये है माल बीवी का हक जितना है उसे उतना ही मिलेगा औलाद की मौजूदगी में आठवां हिस्सा उसे मिलना है वो आठवां मिलेगा बस औलाद नहीं है तो वन फोर्थ मिल जाएगा उसके बाद दूसरे भरोसा होते हैं उन तक ये माल पहुंचना जरूरी है लेकिन यह भी एक कोताही होती है इसके बाद एक चीज यह है कि अगर अब्बा ने किसी का हक मारा है यानी बाप ने किसी का हक मारा है बाप ने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया था बाप ने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया था और बाप मर गया तो औलादों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी फुपियों को हक दें ये ना करें कि हम बाप ने करा था हमारे लिए तो हलाल है ऐसे हलाल कहने से बेटों के लिए औलादों के लिए हलाल नहीं होगा ऐसे हलाल बोल दिया कि साहब उन्होंने बाप ने गलती करी थी यार अब बाप ने करा था बाप का मामला बाप ने माफ़ करा लिया था वो बाप ने करा था अगर आपको ये इल्म है इस बात का कि बाप ने हमारी फुपियों को हिस्सा नहीं दिया और अब जो जायदाद आ रही है हमारे पास वो उन्हीं का हक़ है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पुपियों को हिस्सा दें बाप को बाप को अजाब क़ब्र से बचाएं बाप ने ग़लती करी है उन्हें अजाब से बचाएं ए मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के लिए तो भिराने लगते हैं लोग मैयत की तरफ से कुर्बानी होगी नहीं होगी दस हज़ार का बकरा तो हम कर देंगे बहुत अच्छे से कोई मसला नहीं है बाप को सवाब पहुँचाना है ईसाल सवाब करना है हमें कुरान खानी करना है बाप को है बड़े क्योंकि इनमें जान, जाना जाना नहीं है ना कुछ भी दस हज़ार पाँच हज़ार चले गए कुछ क्या चला गया कोई बात नहीं अभी कहो डेढ़ करोड़ की जायदाद तुम्हारे बाप ने खाई थी उनकी वो दिपटाओ पहले वो डेढ़ करोड़ का हिसाब करो अपनी पुपियों का वो फूपियों का अगर इंतकाल हो चुका है तो उनकी औलादों को दो जरूरी नहीं है पुपी नहीं है हयात नहीं है तो उनकी औलाद तो मौजूद हैं उनके वो रसा पुपी के तो वो रसा मौजूद हैं उन तक माल पहुंचाओ ये उन अब्बा को अजाब से बचाओ ये कहने से कुछ नहीं होगा ये कहने से कुछ नहीं होगा क्या हमारे बाप ने किया था माफ करा लिया था ख़त्म बात हमारे लिए तो हलाल है आपके लिए हलाल नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये मामला एक का हक वो खाता है दूसरे का हक वो खाता है वो खाते रहते हैं सबसे एक दूसरे के हक हाँ। तो विरासत का कानून बहुत ज्यादा सख्त है विरासत के कानून के अंदर बहुत ज़्यादा बारीकी है ये अल्लाह के अहकाम है इसके अंदर किसी तरह की कमी किसी तरह की कोताही करना ये जहन्नम का सबब बनेगा अल्लाह का वादा हक है अल्लाह की बात सच है अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया वो होना है जो भी हक़ खाएगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले अल्लाह ताला मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको पुरान नाफिस करने वाला बनाए क़ुरान के अहकाम पे चलने वाला बनाए और जो इसका क़ानून है अल्लाह ताला उस पर चलने वाला बनाए और हम लोगों के लिए आसानी करे वाखिर दावाना अनहमद रब्बीम